हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर भूषण्स बायोलॉजी। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में, अभी इस टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं प्लियोट्रॉपिक के बारे में। प्लियोट्रॉपिक क्या है? एज पर मेंडेल के हिसाब से ए सिंगल जीन, वन जीन इज रिस्पॉन्सिबल और कंट्रोल ए सिंगल कैरेक्टर, ओके, ओनली वन कैरेक्टर और सिंगल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, ये होगा मेंडेल के हिसाब से, एज पर मेंडेल व्यू, अकॉर्डिंग टू मेंडेल। नाउ ए सिंगल जीन, एक जीन कंट्रोल टू और मोर देन टू कैरेक्टर और टू फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, इसको बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। इसको ही बोलते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन और कंसेप्ट को बोलते हैं प्लियोट्रॉपिज्म। इसको ही प्लियोट्रॉपी और प्लियोट्रॉपिज्म ऐसा बोलते हैं। अभी ये हो गया जनरल डेफिनेशन प्लियोट्रॉपी क्या है। क्वेश्चन सेकंड, एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रॉपी। एग्जांपल क्या है प्लियोट्रॉपी का? सिकल सेल एनीमिया इज एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रॉपी। अभी एनीमिया क्या है? आरबीसी जो है, आरबीसी जो नंबर है वो लेस हो जाना। अभी एनीमिया क्यों होता है, कैसे हो सकता है? आयरन डेफिशियंस की वजह से। आयरन डेफिशियंसी अगर होती है तो एनीमिया होता है और आरबीसी लेस हो जाती है। अभी सिकल क्या है? सिकल है हाफ मून, मून इट मीन चांद, ओके, शेप, हाफ मून शेप। तो ये कैसे शेप होगा? ये होगा शेप ऐसे, इसको हम बोलते हैं सिकल सेल शेप, ओके। ये अगर शेप ऐसे होता है तो इसको हम बोलते हैं सिकल सेल शेप। अब यहाँ पे आप देखोगे सिकल सेल एनीमिया तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा आरबीसी है, ओके, हाफ मून शेप है, हा? तो देखोगे आप सेल है, आरबीसी एक सेल है, आरबीसी का जनरली शेप होता है सर्कुलर और ऐसा एक शेप आरबीसी का जनरली देखा जाता है। जब ये आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है कैसे, हाफ मून शेप में, आधे चांद में, तो इसको हम बोलते हैं आधे चांद का जो शेप है उसको हाफ मून शेप बोलते हैं। तो यहाँ पे होता है सिकल सेल एनीमिया, ओके। आरबीसी का शेप चेंज होता है, नॉर्मल सर्कुलर से ये होता है हाफ मून शेप में, तो इसको हम बोलते हैं सिकल सेल, ओके, सिकल सेल एनीमिया ऐसे होता है। अभी ये कैसे होता है सिकल सेल एनीमिया, ये शेप के बारे में हमने देखा है। यहाँ पे क्या हो गया, स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, मतलब शेप चेंज हो रहा है, यहाँ पे आप देखोगे। तो अभी यहाँ पे हम देखने वाले हैं ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये चीज भी यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी उससे पहले ये टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीईटी में, नीट में, मैक्सिमम टाइम इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए सेट में एंड सीएसआईआर नेट में, क्वेश्चन भी हम आपको बताएंगे और इसके बारे में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे आ चुके हैं, आपको क्या ध्यान में रखना है, यह हम आपको यहाँ पे बताएंगे। अभी जनरली ये क्वेश्चन सीटी नेट सेट में कैसे आएगा, ये वन जीन आपको ये डेफिनेशन भी पता होगी तो आप ऑप्शन चूज कर सकते हो। दूसरा, एग्जांपल ऑफ सिकल सेल एनीमिया आपको पता होना चाहिए, ये प्लियोट्रॉपिक एग्जांपल है। तीसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है, ये शेप कौन सा चेंज होता है, सर्कुलर से हाफ मून में होता है, ये तीसरा क्वेश्चन होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है सर्कुलर से हाफ मून शेप के ऊपर, ओके। अब ये कैसे होता है यह हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन ये भी आएगा, ये भी आ सकता है, ये कौन से टाइप का डिसीज है सिकल सेल एनीमिया, तो आपको ये हम बता देते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, रिसेसिव डिसऑर्डर ये हम देखने वाले हैं बाद में, इन नेक्स्ट फ्यू लेक्चर विल डिस्कस अबाउट दिस आल्सो, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स के लिए, सीएसआईआर नेट में भी आता है जनरली, तो देखेंगे। अभी जनरली हीमोग्लोबिन आपको पता होगा, हीमोग्लोबिन क्या है, ऑक्सीजन कैरियर है हीमोग्लोबिन। अभी हीमोग्लोबिन में 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है हीम, दूसरा पार्ट होता है ग्लोबिन। ग्लोबिन कौन सा पार्ट है, ग्लोबिन पार्ट है प्रोटीन पार्ट, ओके। अभी प्रोटीन ये कैसे बना होता है, ग्लोबिन है प्रोटीन पार्ट, इसमें क्या होता है पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, कौन सी पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है,
अभी पॉलीपेप्टाइड चेन क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन क्या है? अमाइनो एसिड की चेन है, इसको हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, या इसी ज्वाइन हुई होती है, इसको हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। अभी इस सिकल सेल एनीमिया में एक्चुअल होता क्या है? एचबी में आपका जो बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन है इसमें चेंज हो जाता है। कौन सा चेंज होता है? इसमें होता है स्ट्रक्चरल चेंज, जो कि होता है पॉइंट म्यूटेशन की वजह से। म्यूटेशन की वजह से, कौन सा म्यूटेशन है? पॉइंट म्यूटेशन। आपको ये भी चीज सब चीजें पता होनी चाहिए। स्ट्रक्चरल चेंज होता है, ओके, स्ट्रक्चरल चेंज है यहाँ पे, और कौन सी म्यूटेशन की वजह से? पॉइंट म्यूटेशन की वजह से ये होता है। अभी नॉर्मल एचबी की चेन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। नॉर्मल एचबी की चेन कैसी है? 1 2, ये हो गए अमाइनो एसिड एंड सो ऑन, ओके, ये हो गए अमाइनो एसिड्स। अभी अमाइनो एसिड नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। अभी ये पॉइंट म्यूटेशन क्या है, हम आपको आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। अभी पहला अमाइनो एसिड नॉर्मल एचबी के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। नॉर्मल एचबी में कैसी होती है ये चेन? तो पहला आता है वेलिन, दूसरा आता है हिस्टिडिन, तीसरा आता है ल्यूसीन, चौथा आता है थ्रियोनीन, पांचवा प्रोलीन, सिक्स वन इज ग्लूटामिक एसिड एंड सो ऑन, ओके। जो हो गए वो आगे के अमाइनो एसिड होंगे। पहला वेलिन, हिस्टिडिन, ल्यूसीन, थ्रियोनीन, प्रोलीन, ग्लूटामिक एसिड, ये अमाइनो एसिड नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8, ये हो गया नॉर्मल हीमोग्लोबिन। अभी सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? या अमाइनो एसिड, हमने जैसे आपको बोला स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, शेप में तो हो गया, अभी स्ट्रक्चर में कैसे और पॉइंट म्यूटेशन कैसे होता है? अभी यह अमाइनो एसिड जो चेन है इसमें कैसे चेंज होते हैं, हम यहाँ पे आपको बताएंगे, ओके, कैसे चेंज होते हैं। ये देखो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ओके, ये हो गया पहला अमाइनो एसिड, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट एंड सो ऑन। अभी यहाँ पे जो पहला है ये नॉर्मल के बारे में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ पे हम सिकल सेल एनीमिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अभी यहाँ पे आप देखोगे ये वेलिन है, जो वैसे के वैसे आ गया वेलिन, दूसरा क्या है हिस्टिडिन, वैसे के वैसे आ गया ल्यूसिन, थ्रियोनीन, प्रोलीन, पांच तक वैसे आ गए, लेकिन सिक्स वन इज ग्लूटामिक एसिड जो रिप्लेस है वो होता है वेलिन से। सिक्स नंबर ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन। ये हो गया आपका 2 मार्क्स का सीएसआईआर नेट का क्वेश्चन, ये जनरली पूछा गया है, सेट में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। आपको खाली पता होना चाहिए स्ट्रक्चर में चेंज हो गए, स्ट्रक्चर में कौन से अमाइनो एसिड के ऊपर चेंज हो गया, कौन सा अमाइनो एसिड में? सिक्स नंबर अमाइनो एसिड में चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? वहां पे जो ग्लूटामिक एसिड था इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन। अब ये पॉइंट म्यूटेशन कैसे हो गया? पॉइंट म्यूटेशन समझो, यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड एक पॉइंट है, इसमें म्यूटेशन हो गया, एक पॉइंट है इसमें म्यूटेशन हो गया, ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस बाय वेलिन, इसमें म्यूटेशन हो गया, इसलिए हम इसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। तो इसके ऊपर क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं नेट और सेट में, क्वेश्चन होते ही होते हैं ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस बाय वेलिन एंड इट इज इन नंबर 6 पोजिशन, 6 पोजिशन के ऊपर वो ग्लूटामिक एसिड है। अभी हमें आपको यह इसके जून टाइप्स के बारे में बताने वाले हैं। जीन एंड जून टाइप्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी एच बी, ओके, ए, ये हो गया नॉर्मल जीन, ओके, नॉर्मल जीन, हेल्दी पेशेंट, हम इनको बोल सकते हैं हेल्दी पेशेंट। दूसरा है एच बी एस, ये है सिकल सेल एनीमिक पेशेंट, एनीमिक पेशेंट, एच बी ए एंड एच बी एस। अभी यहाँ पे हम देखेंगे जीनोटाइप कैसे आएंगे, एच बी ए, एच बी ए, अभी एच बी ए, एच बी एस, एच बी एस। तीसरा क्या आ सकता है? एच बी ए एंड एच बी एस, ये दोनों हो गए होमोजाइगस, होमोजाइगस एंड ये हो गया हेट्रोजाइगस। ये क्या आ गया? 50%
क्या है, हेल्दी, ओके, इट मींस नॉर्मल, 50% नॉर्मल। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 50% क्या दिखाई दे रहा है हमें, ये सिकल सेल एनीमिक दिख रहा है, ओके, सिकल सेल एनीमिक दिख रहा है। अभी यहाँ पे हम देखने वाले हैं इसमें से कौन से सर होते हैं, इसका रेशियो क्या आता है। बिफोर दैट यू मस्ट नो दिस थिंग। अभी इसमें क्या होता है, यहाँ पे हम आपको एक बेनिफिट बता देंगे। HbA ये होगा नॉर्मल, ये इजीली सर्वाइव कर सकता है। दूसरा HbS ये क्या होता है, लीथल होता है, ये जनरली पर्सन डाई हो जाता है, मर जाता है। तीसरा इसमें क्या है, आधे यहाँ पे आप देखो सिकल सेल एनीमिक पेशेंट, यहाँ पे आप देखोगे HbS ये क्या होता है, डाई होता है, ओके, लीथल होता है। तो यहाँ पे देखोगे आप HbS 50% हेल्थी, 50% नॉर्मल, तो ये सर्वाइव रहता है और इसको हम बोलते हैं कैरियर, कैसे वो भी हम आपको बताने वाले हैं। अब इसमें एक मेन फंडा है, बेनिफिट है, वो हम आपको बताने वाले हैं। अगर 50% नॉर्मल है, 50% सिकल सेल, सिकल सेल आपको तो पता है हमने जो बोले है हाफ मून शेप, ओके, और दूसरा क्या है, ये नॉर्मल, जो नॉर्मल सर्कुलर शेप है आरबीसी का वो। अभी इसके ऊपर मलेरियल पैरासाइट, ओके, किसके ऊपर, HbA HbS कैरियर के ऊपर, जो है कैरियर हाफ, उसके ऊपर मलेरियल पैरासाइट अटैक नहीं करते, ओके, नॉट अटैक, ओके, नो मलेरिया, इनको मलेरिया होता ही नहीं है, ये इनका मेन बेनिफिट होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये सिकल शेप है, ओके, मलेरिया इसमें, मलेरियल पैरासाइट इसमें पेनिट्रेट नहीं करता है, पेनिट्रेट नहीं कर सकता है, तो इनको एक बेनिफिट होता है, ये मलेरिया से, मलेरिया इनको होता ही नहीं है। अभी इनके क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये तो बेनिफिट हो गया, प्रॉब्लम क्या होते हैं, वर्क इफिशियंसी जो है, वर्क इफिशियंसी क्या है, वो लेस हो जाती है। लेस क्यों होगी, क्योंकि HB जो है ऑक्सीजन कैरी करता है, कौन से टिश्यू को देता है, टिश्यू को ऑक्सीजन देता है। यहाँ पे 50% क्या है, सिकल सेल, तो ऑटोमेटिकली HB का नंबर कम होगा, तो यहाँ पे लेस HB जाता है, तो लेस ऑक्सीजन सप्लाई होता है, लेस ऑक्सीजन सप्लाई होता है, इसलिए वर्क इफिशियंसी इसकी कम हो जाती है, ये जनरली यहाँ पे देखा गया है। अभी इसके आगे हम मैरिज के बारे में देखेंगे। अगर ये HbA HbS अगर मेल एंड फीमेल दोनों, मदर एंड फादर, इफ दे मैरी, तो जो आएंगे रेशियो आएंगे वो कैसे आएंगे, यहाँ पे हम बताएंगे। खाली आपको ये पता ही होना चाहिए, मलेरियल पैरासाइट इनके ऊपर अटैक नहीं करते, क्योंकि वो वहां पे पेनिट्रेट नहीं कर सकते, लेकिन इनमें एक प्रॉब्लम क्या है, वर्क इफिशियंसी इनकी लेस होती है, टायर्डनेस ज्यादा आता है इनको। चलो अभी हम यहाँ पे ले लेंगे एक मैरिज, HbA HbS HbA HbS अगर दोनों मैरिज होते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे हमने जीनोटाइप वगैरह गैमेट्स वगैरह लिखे, तो वैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे कौन आएगा, दो आएंगे, HbA HbS आ गया यहाँ पे नीचे, ओके, यहाँ पे भी HbA HbS आ गया नीचे। तो अभी यहाँ पे हमने पहले देखा था ये पेयर इधर आ गई, इससे क्रॉस हो सकती है HbA HbA, दूसरा ये इससे क्रॉस हो सकता है, ये क्या आ गया, HbS HbS आ गया, HbA 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 आ गया यहाँ पे, और ये HbS आ गया। तीसरा क्या है, यहाँ पे आप देखोगे ये इसके साथ पेयर करेगा तो क्या आ गया, HbS HbA। चौथा इधर ये किसके साथ पेयर करेगा, इसके साथ पेयर करेगा, फिर क्या आएगा, HbS HbS। अभी ये कौन से आ गए, ये आ गए नॉर्मल, इनका वन नंबर है, ये दोनों आ गए कैरियर, ये आ गए दो, आ गए एक और दो, तीसरा आ गया ये क्या है, लिथल, ये डाई हो जाता है, नॉट सर्वाइव, ये सर्वाइव नहीं होता, तो रेशियो क्या आएगा, 1:2:2, ये इसका आता है रेशियो 1:2:2, 1 इज नॉर्मल एंड 2 इज कैरियर, 1:2:2, ये आ गया इसका रेशियो। तो इसके रेशियो के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको रेशियो पता होना चाहिए, 1:2:2 इसका रेशियो, एक लीथल हो जाता है, कौन सा, HbS HbS, ये होमोजाइगस जो है वो लीथल हो जाता है, मर जाता है यहाँ पे, तो सर्वाइव नहीं हो पाता, तो इनका रेशियो आता है 1:2:2।
इसके ऊपर जनरली क्वेश्चन पूछे गए ये सारे एग्जाम्स में, और क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। अभी आप बोलोगे इसके ऊपर क्या क्वेश्चन आएगा, सीएसआईआर नेट में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है पेडिग्री एनालिसिस में। लेकिन अगर पेडिग्री आपको सॉल्व करनी है तो आपको ये बेसिक पता ही होना चाहिए, तो ही आप इसके ऊपर की पेडिग्री सॉल्व कर सकते हो। इसके ऊपर अगर पेडिग्री में क्वेश्चन आता है सिकल सेल एनीमिया के ऊपर, तो आपको ये बेसिक पता ही होना जरूरी है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।